और श्रावस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने तहसील इकौना के सामने खड़े कई वाहनों को मारी टक्कर, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। वाहनों में सवार कई सवारियों को आई चोट, एक स्कॉर्पियो के अंदर बैठी तीन महिलाएं हुई घायल। तहसील के सामने बाइक खड़ी कर रहे अधिवक्ता को भी पिकअप ने रौंदा। सभी को इकौना के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीन महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल भिनगा के लिए किया गया रेफर। हादसा इकौना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 इकौना तहसील के सामने का है, जहां पर कुछ लोग पेशी के काम से तहसील के काम से यहां पर आए हुए थे। और तभी देखा गया कि पीछे से एक तेज रफ्तार पिकअप वाले ने यहां पर खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी। सीधा तहसील के सामने आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर दिखाते हैं कि एक स्कॉर्पियो है जिसका ये हाल कर दिया गया है। इसके आगे एक ऑटो रिक्शा है, इसमें सवारियाँ बैठी हुई थी, और एक ये कोई अन्य जनपद की गाड़ी है, इसके अंदर भी लोग बैठे हुए थे। तो एकाएक अचानक से ही पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाला आया और उसके बाद में टक्कर मारता चला गया। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। कहाँ से आ रहे थे अब? इधर देखो, इधर कहाँ से आ रहे थे अब लोग? लक्ष्मणपुर से। अच्छा, क्या हुआ है बताइए यहाँ पे? यहाँ गाड़ी खड़ी रही, पीछे से लावा स्कॉर्पियो ठोक दी। किस गाड़ी में ठोक दिया आपके? हमारे ही स्कॉर्पियो में। किस गाड़ी ने ठोक दिया? इसमें से कौन सी गाड़ी है? पिकअप। पिकअप वाला कहाँ है? वो अंदर गवर थाने में। थाने पर? हाँ। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? तीन आदमी। महिलाएं भी घायल हैं? हाँ, तीन महिलाएं घायल हैं। अच्छा, ये सब कहाँ रहने वाली महिलाएं? लक्ष्मणपुर भोजपुर। क्या करने के लिए यहाँ आए थे आप लोग? पेशी रहा, मुकदमा खुला रहा, गवाही। और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं इकौना के सरकारी अस्पताल में, जहां पर इन महिलाओं को भर्ती कराया गया है। दो महिलाएं जो है इकौना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर भोजपुर की निवासी बताई जाती हैं, जिनका नाम सीमा देवी कृष्णावती है। दोनों महिलाएं स्कॉर्पियो के अंदर बैठी हुई थी इकौना तहसील में। शायद उनकी तारीख थी, पेशी थी, इसीलिए इकौना तहसील पहुंची थी। तहसील के सामने ही एक किनारे डिवाइडर के पास में स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार पिकअप वाला आया और अनियंत्रित हो गई उसकी गाड़ी। इसके बाद में देखा गया कि तीन चार वाहनों को उसने पीछे से टक्कर मार दी। इनका नाम कृष्णावती है, इकौना के भोजपुर की निवासी हैं। इनको भी काफ़ी चोट आई है, और इनके साथ में एक महिला है जिसका नाम सीमा है, उसको काफ़ी गंभीर चोट आई है, उसका सिर भी पट गया है। इसी के साथ में आप बता दें कि बाइक सवार एक अधिवक्ता हैं, जो इकौना तहसील के अधिवक्ता हैं, उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। तो इस तेज़ रफ्तार पिकअप ने कई लोगों को टक्कर मारी है, और एक ऑटो रिक्शा वहाँ पर, ई रिक्शा आप देख सकते हैं, ई रिक्शा के अंदर भी कुछ सवारियां बैठी हुई थी, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। लगभग 7-8 लोगों को चोटें आई हैं। इन सभी को जिला अस्पताल भिनगा के लिए रिफ़र किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि सूचना पर इकौना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, और उसके बाद में पिकअप और पिकअप चालक को कब्जे में लेकर थाने पर पहुँचा दिया है। एक अधिवक्ता हैं जो इकौना तहसील में कार्यरत हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण आप देख सकते हैं। तीन तीन एम्बुलेंस लगा करके सभी घायलों को जिला अस्पताल भिनगा के लिए रिफ़र किया गया है। आइए संबंध में परिवार के लोगों से जानकारी लेते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। ये जो महिला घायल है कौन है आपकी? ये मेरी भाभी है। अच्छा, कैसे हादसा कैसे हुआ है? हम लोग खड़े थे वहाँ पे, पीछे से आया, ठोक दिया गाड़ी, ऊपर फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई। हम लोग कितने लोग घायल हो गए? सर, तीन लोग। तीन में से कौन? आपके घर के कितने लोग हैं? हमारे घर के तीनों, एक मेरी माँ है, एक मेरी भाभी, एक मेरी बहन है। तीनों घायल है? तीनों घायल है। अच्छा, कैसे हुआ हादसा, कुछ जानकारी है? ये हादसा हुआ है, पिकअप वाला मार दिया है, पुत्र बताओ घरों। ये कहाँ से आई थी? ये आई थी इधर लक्ष्मणपुर से। और तहसील के पास क्या कर रही थी? तहसील में आई थी, आज हमारी पेशी थी। अच्छा, इनका गवाही का। अच्छा, तो वही पेशी करने आई थी अपना। और किसने मारी टक्कर? पिकअप वाले ने मारा है। कहाँ है इस वक्त पिकअप वाला? पिकअप वाला इस समय तहसील पे ही है। सीमा देवी के पति क्या नाम है? राम सूरत।